एवरीवन, तो आज मैं कोई क्लास आपको नहीं बताने वाली, आपको एक असली घटना के बारे में बताना चाह रही हूँ जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ घटी थी कोटा में तैयारी करते दौरान। कोटा के एक हॉस्टल में कुछ बच्चों ने तैयारी करने के लिए रूम लिया था, वहाँ की ये बात है। तो पूरी स्टोरी सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा फैली हुई भी है, वायरल भी है। तो पूरी स्टोरी सुनना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है और अभी तक भी इस चीज़ का कोई तोड़ नहीं निकला है। तो सुनिए, कुछ स्टूडेंट्स थे, मैंने बच्चे तो होते ही हैं हॉस्टल्स में, तो वो तैयारी करते हैं, कोटा में गए थे वो बच्चे भी तैयारी करने के लिए। तो वो स्टूडेंट्स कुछ मतलब सोनाक्षी, प्रिया, स्वीटी, कविता, ये चार पांच लड़कियां बिहार की तरफ से थी। तो वो कोटा तैयारी करने के लिए आई थी, वहाँ पे होटल हॉस्टल में रुकी थी वो। और उस टाइम पर क्या हुआ, सोनाक्षी और प्रिया ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, मतलब जब इनका एडमिशन करवाया गया था वहाँ हॉस्टल के अंदर, तो उनके पेरेंट्स ने मिलकर ही मतलब काम किया था। सोनाक्षी के पेरेंट्स जो, उन्होंने प्रिया के पेरेंट्स की थोड़ी बहुत हेल्प की थी, थोड़ा डिटेल वगैरह पता करने में, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में की थी। तो ये बात तब की है, तो उस समय बाद में मतलब सोनाक्षी और प्रिया जो थे वो थोड़े क्लोज ही थे, बाकी फ्रेंड्स भी थे नॉर्मल, और खास वाली बात होती है वैसे ये दोनों खास दोस्त ही बन गए थे। तो प्रिया की मम्मी ने सोनाक्षी से कहा था कि भाई मेरी बेटी को अकेले सोने की आदत नहीं है, तो कुछ दिन तो थोड़े दिन तो आप आके इसके साथ सो जाया करना, और साथ में ग्रुप स्टडीज़ कर सकते हो आप, जैसे जैसे करके तैयारी आप साथ में कर सकते हो, क्लास कोचिंग वगैरह साथ में लगा सकते हो। दोनों सेम चीज़ की तैयारी कर रहे थे वो। तो हुआ ऐसे कि सोनाक्षी और प्रिया दोनों मतलब एक रूम में रहने लग गए। सोनाक्षी जो थी वो थोड़ी चुलबुले टाइप की थी, मतलब शरारती सी थी, तो उन्होंने ये सोचा कि चलो क्यों ना मस्ती करें रात के समय में, मतलब 1 बजे उन लोगों की ग्रुप स्टडी जो है वो कंप्लीट हुई, तो प्रिया को सोनाक्षी ने कहा चलो क्यों ना स्वीटी और कविता के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। तो हर एक स्टूडेंट को एक एक अलग अलग रूम दिया गया था। तो सोनाक्षी है, उसने प्लान बनाया चलो क्यों ना आज कुछ शैतानी काम किया जाए, जाके स्वीटी और कविता उनके साथ थोड़ी छेड़खानी की जाए। तो वो दोनों गए, रात को 1:30 बज रहा था, तब दोनों के दोनों, प्रिया और सोनाक्षी दोनों के दोनों गए और उन दोनों के रूम को एक साथ खटखटाया और भाग कर आ गए कमरे में। तो एक रात के लिए ये था। और अगले दिन उन्होंने जब मेस में वो खाने के लिए मिलते थे, तब उन्होंने ये चीज़ बताई कि ये स्वीटी तुमने नोटिस की रात को वहाँ मेरे रूम के बाहर कोई खटखटा रहा था, जैसे ऐसी आवाज़ आ रही थी मुझे। सोनाक्षी पहले ही श्योर कर लेती है कि इन्हें से शक नहीं जाना चाहिए कि हमने किया हो ऐसा। तो वो सामने से ये कहती है कि ऐसा हमारे साथ तो हुआ था, कि तुम्हारे साथ भी हुआ था? तभी स्वीटी और कविता दोनों कहते हैं हाँ हाँ हुआ, तभी हमें तो डर भी लग गया था, इसलिए हमने दरवाज़ा खोला नहीं, बहुत घबराहट वाली चीज़ होती है। अब ऐसा हो ही जाता है, आप अकेले कहीं रह रहे हो और बाहर से आधी रात को आपको ऐसी कोई आवाज़ आए तो आप दरवाज़ा खोलने थोड़ी जाओगे, अंदर घबराहट ही होगी आपको। अगले दिन सोनाक्षी ने फिर मस्ती करनी चाहिए, उसने कहा चलो प्रिया हम एक काम करते हैं, और वो यूट्यूब में उसने वो पायल वाली साउंड से डाउनलोड कर ली, मतलब जो हम भूतों की मूवी में सुनते हैं कई बार पायल की साउंड आती है, तो उस तरह की सी साउंड उसने डाउनलोड कर ली अपने यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब में उसने डाउनलोड कर ली, और आधी रात को जाकर उनके कमरों के बाहर वो पायल की साउंड लगाई और दोनों ने फिर रूम नॉक किया और फिर भाग के आ गए। तो ये चीज़ चलती गई, अगले दिन उन्होंने फिर कहा भाई रात को तो ऐसे पायल की साउंड आ रही थी, बहुत मतलब घबराहट हो गई थी, मैं तो डर गई थी करके आपस में बात करते ही हैं फ्रेंड्स, तो भाई घबराहट वाली बात थी। नेक्स्ट क्या हुआ, मतलब कुछ दिनों बाद मतलब उनकी शरारतें ऐसे बढ़ती ही गई, प्रिया और सोनाक्षी जो है वो अपने दोस्तों के साथ छेड़खानी करते ही रहते थे नॉर्मली। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो वीडियो भी बनाते थे, मतलब रात को जब डराने का टाइम आता ना, तो एक जना वीडियो बनाता था कि भाई हम लोगों ने ऐसी ऐसी मस्ती भी की थी हॉस्टल में कभी, ये चीज़ याद करने के लिए। तो वो जो सोनाक्षी है, सोनाक्षी का फ़ोन एक दिन स्वीटी देख रही थी, देखते देखते उसके सामने वो गैलरी में वीडियोस आ गई भी। अच्छा तो तुम हमें डराया करते थे? हाँ भोली तो देखो कैसे बनती थी कि हमारे कमरे के बाहर भी ऐसी आवाज़ें आती थी, करके हंसी मजाक में उनकी ये बात टल गई। तो कुछ दिन बीत गए थे, मतलब करीब 1 महीना हो ही गया था कि सोनाक्षी है प्रिया के कमरे में जाके सोती थी। तो फिर अब प्रिया भी ऐसे ठीक हो गई थी, मतलब कि भाई अब आप अपने कमरे में जाके सो सकती है, सोनाक्षी तुम जाके सो सकती हो अभी। तो एक दिन की बात है, सोनाक्षी रात को मतलब ग्रुप स्टडीज़ वगैरह कोचिंग वगैरह हो गया था उनको, रात को मतलब 1:30 ही बज रहा था उनको सोने के टाइम पे। तो पढ़ाई करने के बाद सोनाक्षी अपने कमरे में गई, जब वो अपने कमरे में गई तो उसने सोचा कि चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है और कल सुबह उठ के भी फिर से वही क्लासेस लगानी है उनको, और ये वो करके उसने फिर सोना चाहा। जब वो सोई तब जब भी उसने मतलब अपने बेड पे लेटी तो बेड पे इतना पर अचानक ही इतनी गंदी बदबू आने लगी, जैसे कोई 100-200 चूहे मरे हुए हो, इतनी गंदी बदबू उसे अपने बेड पे आई। तो वो झट से उठ के से देखने लगी हो ये क्या इतनी गंदी बदबू, फिर वो भागकर प्रिया के रूम में गई और उस बोली कि देखो यार मेरे बेड पे थोड़ी बदबू आ रही है, तो मैं तुम्हारे साथ ही एडजस्ट कर लेती हूँ, आज मैं फिर करवा लेती, मतलब कल चेंज करवा लेंगे, ये जो बेड है वो चेंज करवा देंगे, तो कल वार्डन को कह दूँगी मैं, पर तू कहीं मेरा वहम तो नहीं, तू तो चल के एक बार स्मेल तो कर। तब प्रिया आकर उसने भी स्मेल की कि भाई बहुत बहुत गंदी स्मेल आ रही है, चेंज करवाना ही पड़ेगा अगले दिन। तो फिर वो वापस प्रिया के रूम में सो जाती है जाके, 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर मतलब वो वार्डन को बुलाती है और वो बोलती है कि भाई देखिए मैम यहाँ पे बहुत गंदी बदबू आ रही है, मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, आपको मेरा बेड चेंज करना पड़ेगा। वार्डन जो है वो दोपहर के टाइम पे मतलब शाम के टाइम या दिन के टाइम पे वो आती है और देखती है भाई लड़कियाँ पागल हो गई है, कोई स्मेल नहीं आ रही, एकदम अच्छा तो है सब, रूम साफ सुथरा है, बेड भी सही है, कोई स्मेल नहीं आ रही, कुछ नहीं है, आप ऐसे ही कर रहे हो, आपकी शायद ये वहम हो गया, बस ऐसे करके उसकी बात को इग्नोर कर दिया गया। तो
रात को फिर से आई सोनाक्षी, सोने के लिए जब अपने बेड के ऊपर बेड पे बैठती है, बैठती है उसे इतनी गंदी स्मेल फील होने लगती है कि भाई अब मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। तो जैसे तैसे वो जिद करती है वार्डन के पास अगले दिन जाके कि या तो मेरा बेड चेंज करो या मुझे कमरा बदलवा दो, मेरे को रहना ही नहीं है यहाँ पे, मैं नहीं सो सकती यहाँ पे, इतना गंदा स्मेल आ रहा है इस बेड में से करके वो अपनी सारी कंप्लेन वार्डन से कर देती है। और वार्डन बोलती है कि कौन सा कमरा दे पूरे हॉस्टल में, और कोई खाली कमरा है ही नहीं। तब प्रिया को याद आता है कि सोनाक्षी के रूम वाला जो रूम है वो खाली है, और वहाँ पे कुछ मतलब सही तरह से वेल मेंटेन नहीं है, सब सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, रखा हुआ है, कोई कमरे जैसे हालत ही नहीं है उस कमरे की। तो फिर उस रूम में रहना तो कैसे है, पर वो प्रिया जो है सोनाक्षी से कह देती है कि भाई तुम साफ करवा के इस रूम में रहना चाहो तो यहाँ पे भी रह सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो फिर सोनाक्षी के भी ऐसे हो जाती है कि भाई मेरे को रहना है, अभी ये रूम में मैं नहीं रह सकती, मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, रात को नींद भी नहीं आती, और ये पहली बात तो इतनी बदबू कमरे में ही बदबू आने लग जाती है ऐसा लगता है। तो वो वार्डन से रिक्वेस्ट करके वो रूम साफ करवाती है, और वो रूम की साफ सफाई होने के बाद वो जब भी मतलब साफ सफाई एकदम साफ सुथरा हो जाता है कमरा, और रात को 1-1.30 बजे अपने रूम में एंटर करती है। जब वो एंटर करती है तो रूम का टेम्परेचर इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा टेम्परेचर, और टेम्परेचर इतना ठंडा कि मतलब कोटा में पहली बात मई जून के महीनों में इतनी गर्मी बरस रही होती है, इतनी गर्मी बरस रही होती है, मतलब 46-47 डिग्री सेल्सियस भी जाता है टेम्परेचर कई बार। तो से बाहर टेम्परेचर से अंदर वाला रूम का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा लग रहा था उसे। तो उसे इतना शांति, इतनी अच्छा, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी उसे कि भाई बहुत कंफर्टेबल कमरा है, मैं बहुत खुशी से यहाँ पे रह सकती हूँ। फिर रात हो जाती है, वो लेटती है अपने बेड पे भी इतनी कम्फर्ट, मतलब उसको बेड पे हाथ से रखते ही ऐसी फीलिंग आती है कि भाई मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, इससे ज़्यादा कंफर्ट मैंने शायद कभी फील किया ही नहीं है। तो वो जब भी बेड पर लेटती है तब उसकी इतनी ठंडी फीलिंग आती है, अभी बहुत ठंडा है। और तभी जब वो मतलब सोनाक्षी को एक तरह की बीमारी होती है, जब वो सोती है तब उसे आधे घंटे से पहले नींद नहीं आती है, पर उसे उस रात जब वो बेड पर सोई तब झट से नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह उठ के वो तो आश्चर्यचकित ही रह जाती है कि भाई रात को मैं इतना जल्दी सो गई, अभी आज तो कमाल ही हो गया, शायद कल के स्ट्रेस में वो थोड़ी साफ सफाई करवाई और शिफ्ट किया था कमरा मैंने तो उस वजह से होगा करके। फिर वो लाइट ले लेती है, उस बात को इतना गौर नहीं करती। और अगली बार फिर अगले दिन फिर से सोती है रात को 1-1.30 बजे, फिर उनकी ग्रुप स्टडी पूरी होती है प्रिया के रूम से आके, जब अपने रूम में सोने लगती है तो उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आती है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे सो रही हूँ तो मेरे ही बाजू में कहीं से किसी के कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है, कोई धीरे धीरे कह रहा है। तो उसे लगता है कि ओ मैंने स्वीटी और कविता के साथ मजाक किया था, वैसे ही शायद वो लोग भी मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे, ये मजाक कर रहे होंगे, छोड़ो छोड़ो करके देखती है। पहले तो जाके वो खिड़की ऐसे खोलती है कि कहीं बाहर से तो आवाज़ नहीं आ रही, नहीं बाहर से तो नहीं आ रही। सोनाक्षी वैसे हिम्मत वाली है, घबराती नहीं है, तो जाके यहाँ वाल चेक करती है तो कोई भी नहीं मिलता, वो फिर से लेट जाती है। जब भी वो लेटती है फिर उसके कानों में कोई ना कोई ऐसे खुसफुसाने की आवाज़ आती है, तो वो एकदम से घबरा जाती है और फिर मतलब उठती है और पूरी रात सो नहीं पाती ढंग से। और जब वो मतलब उसको कहीं नींद भी आ जाती है तो उसे सपने में ये चीज़ दिखाई देने लगती है कि जैसे उसके पापा जो है वो नाइफ लेकर खड़े हैं, मतलब चाकू लेकर खड़े हैं, और कई कुछ ऐसे सपना आता है कि उसकी मम्मी जो है वो रो रही है और उनके मुँह पर खून आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ सपने देखने के बाद वो थोड़ी घबरासी ही गई थी। अगले दिन फिर वो अपनी मम्मी को फोन करती है और वो बोलती है कि भाई मम्मी मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हाल है, मैं थोड़ी घबराहट सी हो रही है, मुझे बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है। तब उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तू हनुमान चालीसा पढ़ा कर, अच्छे से नहा धोकर धूप किया कर कमरे में, धूप कहने के बाद फिर तो हनुमान चालीसा पढ़ के रही तो सब सही रहेगा, और सोने से पहले भी एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के सोया कर, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर सोनाक्षी ने हनुमान चालीसा खरीदा, वो रोज ऐसे ही करने लगी। पर एक चीज़ उसने हमेशा नोट की, जब भी वो अपने रूम में जब धूप जलाया करती थी वो धूप के लिए जलाई हुई जो मैचस्टिक होती है, वो माचिस वाला तिल्ला जो होता है वो भी नहीं जल पाता, मतलब पूरा पूरा डब्बा खाली हो जाता है पर वो मैचस्टिक ही जल के उसी टाइम बंद हो जाती है। वो धूप कभी जला ही नहीं पाई अपने कमरे में। फिर उसने सोचा कि मैं कहाँ इस पर टाइम बर्बाद करूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। वो रोज़ नहा धोकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। रात को भी मतलब किसी दिन अगर रह जाता कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाई तो उस दिन उसके कानों में फिर वही खुसफुसाने की आवाज़ आने लग जाती। वो खुसफुसाने की आवाज़ से फिर उसे याद आ जाता कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो रात को वो हनुमान चालीसा पढ़कर सोती और अपने तकिए के नीचे लगाकर सोती। अगले दिन फिर वो मतलब जब रूम में थोड़ा सोने के बाद जो चद्दर वगैरह ठीक करते हैं उस टाइम पर उसने नोट किया कि हनुमान चालीसा नीचे क्यों गिरी हुई है। ये चीज़ उसने देखी और फिर भाई मेरे से ही गलती से गिर गई होगी करके उसने संभाल के वापस भी रख दी। तो उस टाइम पर फिर उसने क्या किया, उसने ये सारी बात प्रिया से भी कही थी कि भाई रात को मुझे खुसफुसाने की आवाज़ आती है तो मैं क्या करूँ। तो जब प्रिया ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था कि भाई हो रहा होगा, कोई तेरे दोस्त मजाक करते होंगे, अपन ने भी तो स्वीटी और कविता के साथ मजाक किया था, वही किया होगा उन्होंने भी, तो ये नॉर्मल सी बात है, अपने को इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। तो एक दिन फिर जो सोनाक्षी है उसने बोला कि प्रिया तू तो तुझे तो मेरी बात मजाक लग रही है ना, तुझे ये लग रहा है कि कोई दूसरे मजाक कर रहे होंगे, एक दिन तू सो मेरे कमरे में तब तुझे पता चलेगा। तब एक दिन प्रिया सोई, प्रिया जब कमरे में सोई तो उसके भी कानों में आवाज़ आ रही थी, वो कोई खुसफुस बोल रहा है जैसे उसके कानों के पास खड़ा होकर कोई ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। तब उसने उसे बहुत ऐसी घबराहट सी महसूस हुई और वो एक दिन उस रात को भी ढंग से सो नहीं पाई थी। अगले दिन फिर उठकर सोनाक्षी से बोलती है कि भाई सोनाक्षी सच बोल रही हो तुम, तुम्हारे कमरे में साउंड तो आ रही है। पर जब सोनाक्षी
बोली कि हनुमान चालीसा तुम भी ट्राई करो, मैंने तो ये ट्राई किया है तुम भी ट्राई करो। तब जो प्रिया है वो बोलती है मैं ये सारी चीज़ों में नहीं मानती, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो, ये पहली बात तो ये भूत प्रेत जैसी बकवास बातें, और दूसरी बात फिर ये हनुमान चालीसा पढ़ने से ये भूत प्रेत नहीं आती, ये दूसरी बात, मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है करके जो प्रिया थी उसने मना ही किया उसकी बात को कि मुझे कोई भरोसा नहीं है तुम्हारी बात पे। तब उस दिन बाद जिस दिन प्रिया उसके कमरे मतलब सोनाक्षी के कमरे में सोकर गई, उस दिन से प्रिया के साथ कुछ गलत हो रहा था। और सोनाक्षी जो है वो उसके साथ तो ठीक होने लग गया, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो सब नॉर्मल होने लग गया। एक दिन उसने ये चीज़ नोट की कि हनुमान चालीसा जो नई किताब खरीदी हुई थी, जब वो रूम में आती है मतलब सोने के लिए ही आती थी वो अपने कमरे में, बाकी तो बुक्स वगैरह सब बुक्स ली गए बाहर, सुबह निकलती और रात को सिर्फ सोने के लिए आती, जब वो रात को अपने कमरे में आई तब वो कमरे का टेम्परेचर तो इतना ठंडा था ही था, पर उसने ये चीज़ भी नोट की कि हनुमान चालीसा के जो पन्ने थे वो एकदम क्रम्बल करके ऐसे फेंके हुए थे, मतलब किसी ने फाड़ दी हो जैसे किताब। पर उसको ऐसा बुरा लगा कि मैं तो कमरे के ताला लगा के जाती हूँ, फिर ऐसा कौन है, मैं रूम लॉक करके जाने के बाद भी पीछे से कोई आके ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, उसे विश्वास तो नहीं हुआ इस चीज़ पे, पर वो देखकर हैरान थी। तो उस दिन बाद फिर वो मतलब जो सोनाक्षी है वो अगले दिन प्रिया के कमरे में जाने लगी, मतलब उसने ये चीज़ नोट की कि प्रिया जो है जिस दिन से वो उसके कमरे में सो के गई है उस दिन से कुछ ना कुछ बिहेवियर चेंज हो रहा है प्रिया का, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो जाती है प्रिया के कमरे में, नॉक करती है, जब वो नॉक करती है तो प्रिया मतलब ऐसे थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है और गुस्से में से हाँ क्या काम है, तब जो ये सोनाक्षी है वो बोलती है कि तुम्हें हमारे कोचिंग नहीं आ रही हो तुम, क्या बात हो गई, कुछ प्रॉब्लम है क्या, सब सही तो है ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तो बोलती है हाँ ठीक हूँ करके वो झट से मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देती है सोनाक्षी के। तब सोनाक्षी जो है वो प्रिया के घर पे कॉल करती है, प्रिया की मम्मी से बात करती है कि आंटी प्रिया की तबीयत तो ठीक है ना, तो वो आंटी उसकी मम्मी ऐसे बोलती है कि भाई तुम जानो तुम रहती हो उसके पास में, हमको क्या पता, बस हाँ एक दिन फ़ोन आया था, वो फ़ोन ही नहीं करती है, मैंने ही फ़ोन मिलाया था प्रिया को कि बेटा कैसी हो तुम, तो हाँ ना इतना ही जवाब देती है, और वो शायद उस दिन फ़ोन कट करना भूल गई थी, तो हमें ऐसी आवाज़ आई कि जैसे प्रिया के फ़ोन में कोई खुसफुसा रहा है जोर जोर से, कुछ कह रहा है ऐसी आवाज़ आ रही थी उसके फोन में। फिर हमने सोचा चलो नॉर्मल सी चीज़ है करके फोन कट कर दिया, बाकी तुम बताओ बेटा प्रिया कैसी है तुम्हें पता होना चाहिए। तो बोलते हाँ ठीक है आंटी मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी आपका हालचाल पूछना था मुझे, तो प्रिया तो ठीक ही है करके वो ऐसा बोलती है मतलब प्रिया के लिए। और बाद में फिर वो चीज़ नोट करती है कि प्रिया तो नॉन वेजिटेरियन मतलब वेजिटेरियन है, नॉन वेज हाथ भी नहीं लगाते ये लोग, और कंटिन्यूअसली इतने दिनों से दिन में कम से कम 3 बार नॉन वेज का ऑर्डर आता है उसके कमरे से कि भाई नॉन वेज ऑर्डर किया जाता है खाने के लिए, स्पेशली मंगवाया जाता है बाहर से। ये चीज़ बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली थी, और सोनाक्षी को ही पता चलता है कि हॉस्टल के आसपास ही किसी कुत्ते को मारकर भी प्रिया ने खाया है। ये इतनी भारी बात सुनने के बाद सोनाक्षी जो थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, और उसने एक दिन ऐसा प्लान किया कि भाई सोनाक्षी ने ये प्लान किया कि प्रिया को जो है वो नीचे मैस में लेके जाएंगे, 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी वो, तो सबसे ऊपर वाला फ्लोर था उन लोगों के रूम्स का, बाकी फिर जो सोनाक्षी है वो प्रिया को नीचे लेकर जाती है मैस में, और वो बोलती है कविता और स्वीटी को वो कहती है कि तुम जाकर देखना कि प्रिया के रूम में आखिर है क्या, वो अकेली रहती है आखिर चक्कर क्या है वो तुम पता लगा लेना, मैं प्रिया को नीचे लेकर जाती हूँ। तब प्रिया और सोनाक्षी दोनों खाने लगते हैं, उस टाइम पर ही कविता और स्वीटी दोनों प्रिया का रूम खोलते हैं, जब वो रूम खोलते हैं तो इतना अंधेरा कमरे में और रूम का टेम्परेचर इतना ठंडा, पहले जो स्वीटी के रूम में सोनाक्षी के रूम में हुआ करता था वो चीज़ अब प्रिया के रूम में होने लगी थी, इतना ठंडा रूम, जो सोनाक्षी का रूम ठंडा रहता था वो तो अब नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आने लग गया, पर जो प्रिया का रूम था वो बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया था। ये चीज़ उन्होंने नोट की कि इतना अंधेरा है यहाँ पे, तो ना ही तो धूप आने की जगह छोड़ रखी है, सारी खिड़कियाँ बंद है, एकदम पर्दे वगैरह लगा के पैक, और ये दीवारों पर क्या उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने ये चीज़ नोट की। जब उन्होंने मतलब कमरे में एंटर किया और लाइट जलाई तभी नीचे प्रिया एकदम मतलब झटके में ऐसे खड़ी होती है, और वो बोलती है सोनाक्षी ये तुमने ठीक नहीं किया करके गुस्से में सोनाक्षी को ऐसा कहती है, और वो भागकर लिफ्ट होती है उसमें, पर वो सीढ़ियों के सहारे भागकर अपने कमरे में जाना जाती है। तब सोनाक्षी ने कॉल किया कविता को और बोलती है कि नहीं तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, प्रिया वापस अपने कमरे में आ रही है तो तुम जल्दी से वहां से निकल जाओ, क्योंकि वो ऐसा बोलती है और वो रूम वापस उसका बंद करवा देते हैं। ये सारी चीज नोट करती हुई सोनाक्षी को समझ तो आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ पर ये प्रिया ना ही तो हनुमान चालीसा मैं मानती है, और उस दिन से जब से मेरे कमरे में सोई है कुछ तो गलत हो रहा है इसके साथ। तभी वो प्रिया की मम्मी को फोन करती है, वो सारी सारी बात बता देती है कि आपकी बच्ची मतलब कमरे का ये हाल है और खाना नॉनवेज वगैरह सब शुरू कर रखा है, और जब भी हमसे मिलती है तो वो अल्लाह हाफिज़ बोलती है, खुदा हाफिज़, सलाम वालेकुम, इस तरह के शब्द का प्रयोग करती है, वो कुछ तो गड़बड़ है आंटी इसके साथ। तब जो प्रिया की मम्मी है, प्रिया की मम्मी एक मतलब घरेलू ऐसे पंडित जो होते हैं उनको बुला कर लेके आती है, और बिहार से कोटा आने में कम से कम 2 दिन का टाइम तो लगता है, तब वो पंडित जी आते हैं और उन्हें सारी चीज़ का पता चल जाता है, वो बस 4th फ्लोर को देख के वो ऐसे कुछ इलाज करवाते हैं, शुद्धिकरण पूजा वगैरह करवाते हैं, और तब वो किसी को भी अलाउ नहीं करते कि 4th फ्लोर पर कोई आए। और सोनाक्षी का रूम जो था वहाँ पर भी थोड़ी पूजा पाठ वगैरह कर दी गई, क्योंकि सारी चीज़ जो शुरुआत हुई थी वो सोनाक्षी के रूम से ही हुई थी। तो ये सारी चीज़ क्लियर करवाने के बाद
थी, मतलब उस हॉस्टल में तो शांति हो गई थी, पर जो सोनाक्षी है उसे अभी भी प्रिया के अंदर चेंज नजर आ रहा था, क्योंकि जब भी प्रिया मिलकर बाय बोलना होता उस जगह वो अल्लाह हाफिज बोलती थी, जब मिलना होता था तब वो सलाम वालेकुम ये बोलती थी। मतलब मुस्लिम वर्ड्स जो होते हैं वो उर्दू के वर्ड्स ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती थी। और माना मतलब अभी जो प्रिया है उसके साथ अभी भी जब भी सोनाक्षी की बात होती है तब वो यही सबसे पहले शुरुआत इसी चीज़ से करती है कि सलाम वालेकुम कैसी हो। तो मानना ये है कि सारी शुद्धिकरण पूजा वगैरह ये सब होने के बाद भी उसकी थोड़ी जो चीज़ है जिस चीज़ का असर होने लग गया था प्रिया पे वो चीज़ अभी तक भी उसके साथ थी, उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। पूजा पाठ होने के बाद भी उससे ये सारी चीज़ अलग हो ही नहीं पाई थी। तो सोनाक्षी की पहले जो की हुई मस्तियाँ जो थी वो घूमकर फिर उसी पर आ गई, उनके साथ ही ये सारी चीज़ होने लगी। तो ये थी स्टोरी उन लड़कियों की जो उनके साथ घटना हुई, वो बहुत डरावनी सी ये घटना थी। अगर सोचो कि आप उसकी जगह पे होते तो क्या होता, या फिर मतलब बहुत डरावनी सी जो था उनके साथ बहुत बुरा हुआ और प्रिया के साथ भी बहुत बुरा हुआ। तो कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।